विश्व के कुछ देशों में शिक्षकों को विशेष सम्मान देने के लिए शिक्षक दिवस का आयोजन किया जाता है। कुछ देशों में छुट्टी रहती है जबकि कुछ देश इस दिन कार्य करते हुए मनाते हैं। भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन एक विद्वान शिक्षक और प्रसिद्ध दार्शनिक भी थे। उनका जन्म 5 सितंबर 1888 को तिरुत्तनी में हुआ था। इन्हीं की जयंती के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 5 सितंबर को देशभर में शिक्षक दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। भारत में 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है, जो शिक्षकों के योगदान को सम्मानित करता है। इस दिन स्कूल और कॉलेजों में कार्यक्रम होते हैं जिसमें छात्र भाषण देकर अपने विचार व्यक्त करते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी एक महान शिक्षक और भारत के राष्ट्रपति थे। इस दिन को शिक्षकों के योगदान को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। भारत में स्कूल व कॉलेजों में कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। हम राष्ट्रीय शिक्षक दिवस महान शिक्षक और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के रूप में मनाते हैं। इस दिन हमारे पास मौका होता है कि शिक्षकों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त कर सके। शिक्षक समाज की रीढ़ होते हैं। वे हमारे जीवन के पहले गुरु होते हैं जो हमें केवल पाठ्यक्रम का ज्ञान ही नहीं बल्कि जीवन की सच्ची शिक्षा भी देते हैं। वे हमें सही और गलत का अंतर सिखाते हैं। वह हमें प्रेरित करते हैं, हमारे सपनों को पूरा करने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। उनका समर्पण और मेहनत ही हमारे भविष्य की नींव है। हमारे शिक्षकों का योगदान अमूल्य है। वे हर दिन हमें जीवन की महत्वपूर्ण बातें सिखाते हैं। इस विशेष दिन पर हम सभी अपने शिक्षकों के प्रति धन्यवाद और सम्मान व्यक्त करें। जीवन आशीर्वाद बनाता है। आसान किया। गुरु का सम्मान करो क्योंकि वो है महान, उनके बिन अधूरा है जीवन। हम बालक अनजान, शिक्षक की महिमा को शब्दों में कैसे बताऊं? वो तो अनमोल है जिनसे मैं ज्ञान का उपहार पाऊं। धैर्य और संयम की प्रतिमूर्ति है आप। शिक्षा के क्षेत्र में आपकी उपस्थिति हमारी सबसे बड़ी सौगात है। शिक्षक शिक्षा की जान होता है, हर शिष्य का अभिमान होता है।